खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है। अब देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी से मोह भंग होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कथित गौ रक्षकों पर कहा था कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो गौ रक्षक हैं, जो आज देश में गौ रक्षा के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। पर आज प्रधानमंत्री मोदी की बातों को भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और हद तो तब हो गई जब आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी जानलेवा हमला हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता जो खुद पिछले 20 वर्ष से बीजेपी का पदाधिकारी रहा हो और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा काटोल का भी उपाध्यक्ष रह चुका है, जिसका नाम शलीम शाह है। आज देश में मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ नागपुर AIMIM ने विरोध प्रदर्शन करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मोर्चा खोल दिया है और नागपुर IG पुलिस और SP पुलिस से निवेदन किया है कि उन कथित गौरक्षकों को फांसी दें और उनको साथ देने वाले गौरक्षक ट्रस्ट पर पाबंदी लगाने की मांग की। और AIMIM नागपुर अध्यक्ष शकील पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार होश में आओ, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम अभी IG साहब के पास गए थे, उनको निवेदन किया और उनसे कहा कि ये जो पूरे भारत वर्ष में ये जो काम हो रहा है, इसके पीछे वो लोग नहीं है जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देखने में आया काटोल के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ और ये इंसिडेंट के ऊपर जब कभी कोर्ट में पेश किया गया अपराधी को, तो अपराधी के सपोर्ट में जो वकील लोग लगे थे वो इतने बड़े वकील कि अगर आप करते उस करते एक्यूज की जिसने ये घटना की है उसके अगर आर्थिक स्थिति पे नजर डाले तो उसकी ताकत नहीं थी कि वो इतना बड़ा वकील खड़ा कर सके। और जिस तरह के लोग वहां पर जमा थे, यानी नागपुर शहर के घंतोली गोरक्षण ट्रस्ट के लोग, हमारे पांचगांव के वासी जो गिरगांव के वासी गोरक्षण ट्रस्ट के लोग वहां पर जमा थे, तो इससे साफ संकेत मिलता है कि ये गोरक्षण ट्रस्ट के लोग ये कुछ करते